সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই মঞ্চের মূল লক্ষ্য হল আত্মনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা। আর আত্মনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করতে স্বদেশী বস্তুর প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করা এবং বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করা, বিশেষ করে চীনা দ্রব্য 100% বর্জন করা, চীনামুক্ত ভারত গড়ে তোলা। সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানান জাতীয় প্রমুখ অন্নদাশঙ্কর পানিগ্রাহী। তিনি আরও জানান, বাঁশবেত শিল্পকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে, এতে যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। त्रिपुरा में इसे देखो तो ये पहला कार्यक्रम है और आगे स्वदेशी जाण मंच ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर सारे देश में स्वावलंबी जिला ऐसे अभियान चलाएगा। और इसके साथ साथ जैसे त्रिपुरा जैसे प्रदेश जो कि बांग्लादेश से म्यांमार से सटा हुआ है, जहाँ की मार्केट में चाइना से लेकर म्यांमार तक का वस्तु भरमार पड़ा है, इसीलिए यहाँ लोगों के बीच में स्वदेशी वस्तु के प्रति भाव जागरण करना और इस प्रकार के विदेशी वस्तु मार्केट से समाप्त हो, उसी के रास्ते हम काम करेंगे। उसके साथ साथ स्वावलंबी जिला बने, इसलिए हर जिला में वस्तु या सेवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत हो या बने, उसके साथ साथ यहाँ का वस्तु यहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रभावित रह और यहाँ के जनमानस में वो वस्तु ज़्यादा चले, जिसको चलते हुए यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, इसी रास्ते में काम करेगा। और इसीलिए स्वदेशी जनमंच का एक जो प्रांत का दायित्व तो हमारे शिवाजी जी, शिवाजी बोस जी जो कि प्रांत के सहसंयोजक के नाते, को कन्वीनर के नाते काम अभी देख रहे हैं और कुछ जिला का में यहाँ कमेटी बना है, आगे हर गांव तक हम इस कमेटी को लेके जाएंगे और पूरे प्रदेश में ये काम जल्दी से जल्दी बढ़े, ताकि त्रिपुरा में आत्मनिर्भरता या स्वावलंबनता ज़्यादा बढ़े। ऐसा ही आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि त्रिपुरावासी पहला चाइना वस्तु को 100% वर्जन करे और स्वदेशी जाण मंच का जो नारा है इस साल का, चीन मुक्त भारत, ये चीन मुक्त भारत के अभियान में त्रिपुरा भी शामिल हो और जल्दी से जल्दी चीन जैसे शत्रु देश को भारत के जनता के द्वारा एक बहुत बड़ा आघात लगे, इस मामले में भी हम काम करें। तीसरा विषय है यहाँ का जो आर्टिजन है, आर्टिशियंस है, विशेषतः बाम्बू और बेत का जो काम है, इस काम के लिए और यहाँ का वस्तु के लिए यहाँ का सरकार भी ये सारे आर्टिस्ट हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। और बांस का फर्नीचर यहाँ के सरकारी प्रोक्योरमेंट में भी कोई 20% 25% 10% कुछ ना कुछ सरकार कुछ कानून बनाते हुए इस विषय को आगे बढ़ाए, ताकि यहाँ के ये जो बांस और बेम्बो में काम करने वाले जो हस्तशिल्पी है उनको भी रोज़गार ज़्यादा मिले। इसी लाइन में स्वदेशी जाणमंच आगे काम करेगा। ऐसा ही बहुत सारे यहाँ प्रोड्यूस है जो जिसको लेकर हम काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे सुपारी भी होता है, सुपारी का भी वहाँ कोई वैल्यू एडिशन हो और उसका प्रोसेसिंग हो, और अगर वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग जैसा यहाँ कुछ लगे तो यहाँ के युवाओं के रोज़गार मिलेगा और यहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है त्रिपुरा का वो भी आगे बढ़ेगा। यहाँ साथ साथ यहाँ का किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा, इसलिए इसी सारे विषय के ऊपर त्रिपुरा में आगे स्वदेशी जाण मंच काम करेगा। आपका नाम? अन्नदाशंकर पाणिग्रही, स्वदेशी जाण मंच का राष्ट्रीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख। ब्यूरो रिपोर्ट, वाइज 18।